हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं हाउ टू अप्रोच कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। हम सभी को पता है कि सीपीसी टेक्निकल है, टफ है और लेंदी है, और ये एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जो आपके लिए इतना बड़ा हर्डल क्रिएट कर रहा हो कि आप प्री या मेंस सिर्फ इस सब्जेक्ट के कारण ना क्लियर कर पा रहे हो, आप क्वालिफाई ना कर पा रहे हैं, और इसीलिए आपको सीपीसी को कैसे पढ़ना है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। हालांकि जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा वो आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, बट क्योंकि सीपीसी कंपेयर्ड टू अदर सब्जेक्ट्स ज्यादा टफ होता है, ज्यादा टेक्निकल होता है, ज्यादा लेंथी होता है, इसीलिए उसके लिए एटलीस्ट आपको ये अप्रोच जरूर जाननी चाहिए कि आप किस तरीके से इस सब्जेक्ट को इजी वे में पढ़ सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी को पता है कि एमपी जुडिशरी प्रीलियम्स का रिजल्ट आ चुका है और अब मेंस करीब है, बहुत जल्दी मेंस होने वाला है। जुडिशरी गोल्ड आपके लिए एमपी सिविल जज मेंस बैच लाया है जहां पर आपको जजमेंट राइटिंग, ट्रांसलेशन, समराइजेशन की क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो मेंस टेस्ट सीरीज का अलग से कोर्स है जो कि आप परचेज कर सकते हैं, और अगर आपको ये दोनों ही चाहिए, मीन्स आपको जजमेंट राइटिंग, ट्रांसलेशन, समराइजेशन की प्रैक्टिस करनी है और साथ में आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है, तो आप हमारा कॉम्बो बैच ले सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है दिन भर, आपको अर्ली मॉर्निंग टाइम है, या आप रात को ही वीडियोस देख सकते हैं, रात को ही पढ़ाई कर सकते हैं, क्लास रेगुलर बेस पे अटेंड नहीं कर सकते, तो आपके लिए JG1 बैच है जो कि आपके अवेलेबल टाइम के हिसाब से आप वीडियोस देखकर अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। और अब एडमिशन पे आ जाते हैं, तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट, इसमें आप अपियर होकर के 100% तक स्कॉलरशिप जो है वो ले सकते हैं। 13 जून से हमारा बैच चालू हो रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव बैच चालू हो रहा है, और आप अगर इस टेस्ट में अपियर होते हैं जो कि आने वाले संडे को होने वाला है तो आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। वापस आ जाते हैं कि हम कैसे प्रिपरेशन करें, शुरुआत हम कैसे करें। तो एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, आप उस फॉर्मूले पर अगर काम करते हैं तो सीपीसी आपके लिए कहीं पर कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन नंबर टू एक्शन, एंड नंबर थ्री प्रैक्टिस। अब आपके मन में ये आएगा, सर काहे का ऑब्जर्वेशन, कैसा एक्शन और काहे की प्रैक्टिस। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, आप जिस भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं स्पेसिफिकली आपको ये पता होना चाहिए, और ये मैं सिर्फ मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ प्री की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात कर रहा हूं, प्री एज वेल एज मेंस दोनों की। जब आपने क्वेश्चन पेपर्स को एटलीस्ट पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को आपने एनालाइज कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, अब आपको ये पता चल जाएगा कि सीपीसी से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अब आपको ये नहीं करना, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमने क्वेश्चन देखा और उसके आंसर को तैयार करना चालू कर दिया, प्री का या मेंस का, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चालू कर दिया। ऐसा नहीं करना। सबसे पहला काम हमको सिर्फ इतना कर लेना है कि ऑब्जर्व किया और पता लगाए कि किस पोर्शन से प्री और मेंस के क्वेश्चन आते हैं। याद रखना, जो चीज मेंस के लिए जरूरी है वो प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए जरूरी है, इसलिए कभी इस बात को मत भूलना। अब जब आपने ऑब्जर्वेशन कर लिया तो ऑब्जर्वेशन के बाद क्या करना है, तो अब आपको आ जाना है आपके इंडेक्स पर, और वो सारे प्रोविजंस जो कि प्री या मेंस में पूछे जाते हैं
आपको उनके सेक्शन नंबर्स और हेडिंग्स याद कर लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, याद रखना। इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। इससे ये होगा कि जब आपको मेंस के और प्री के क्वेश्चंस के बारे में आइडिया है, और अब आपने बेयरेट में केवल इंडेक्स रीडिंग करके उसका सेक्शन की हेडिंग और आपने उसके सेक्शंस नंबर याद कर लिए, तो आपको देखो प्री और मेंस से पूरा बेयरेट कवर होता है। ऐसा नहीं है कि बेयरेट कवर नहीं होता, हर सेक्शन से हर प्रोविजन से क्वेश्चन नहीं आते, ये बात बिल्कुल सही है, बट कवर पूरा बेयरेट हो जाता है। इससे होगा ये कि आपको होलिस्टिकली पता चल जाएगा कि बेयरेट में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। नॉर्मली अगर हमको कहीं जाना है तो वहां का रास्ता हमको पता होना चाहिए ना, कि वो चीज हमको अचीव कैसे करनी है। ये जो एक्सरसाइज है जो मैंने आपको अभी बताई, ये आपको बेयरेट का एक होलिस्टिक नॉलेज देगी कि इस बेयरेट में क्या है, आपको पता चलेंगी चीज। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपको सीपीसी का कोई नॉलेज, बिल्कुल नॉलेज नहीं, आप जीरो हो, ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको आता है। प्रॉब्लम यह है कि उतना नहीं आता जितना आना चाहिए। दूसरा, क्योंकि उतना नहीं आता तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो जब आप ये एक्सरसाइज करोगे, सिर्फ इतनी एक्सरसाइज करके आपके मन में कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा कि हाँ, मुझे बेरेक में पता है कि बेरेक में मिला मुझे क्या मिलता है, उसमें क्या लिखा हुआ है। जब आप ये कर लेते हो, फिर आप आते हो अपने अगले एक्शन पर, और जो आपका नेक्स्ट एक्शन है वो है अब आपको रीडिंग करनी है। किन बातों की रीडिंग करनी है? वही बातों की, वही सेक्शंस की जो आपने याद कर लिए है। अभी भी पूरी बेरेट पे स्विच नहीं करना। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको पूरी बेरेट पढ़नी नहीं चाहिए या नहीं पढ़ना है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। सब पढ़ेंगे, बट वन बाय वन। एक्सरसाइज नंबर वन हमने कर ली, क्या कि क्वेश्चंस निकाल लिए, समझ लिए कि मेरे स्टेट में जो मैं टारगेट कर रहा हूं उसमें कौन से क्वेश्चंस आते हैं। जब मैंने ये कर लिया तो अब मैंने सेकंड स्टेप लिया, और सेकंड स्टेप जो मेरा एक्शन है उसमें मैंने केवल इंडेक्स से देखा कि ये सब्जेक्ट या इस ऑर्डर के इस रूल पर क्वेश्चन आते हैं। 6-17 पे क्वेश्चन आता है, 7-11 पे क्वेश्चन आता है, 2-2 पे क्वेश्चन आता है, 1-8 पे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना? तो 1-8 और साथ में उसकी हेडिंग हमने याद कर ली, उसमें पता है कि क्या लिखा हुआ है। जब इतना आपने कर लिया, अब वही प्रोविजंस जो है आपको रीड करने हैं, सिर्फ उतने। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे कौन सा प्रोविजन, कौन सा ऑर्डर पहले रीड करना है, तो मैंने एक रैपिड रिवीजन लिया हुआ है जहां पे मैंने आपको बड़ा छोटा सा चार्ट बताया हुआ है कि आपको सीपीसी में ऑर्डर्स किस लाइन में पढ़ने हैं। आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए और आपको चार्ट समझ में आया कि आपको कैसे उन ऑर्डर्स को याद रखना है, तो ऑर्डर्स आपको याद हो जाएंगे उस चार्ट से। फिर आगे बढ़ते हैं, जब हमने क्वेश्चन पेपर ऑब्जर्व कर लिए, सेक्शंस ऑर्डर समझ लिए कि यहां से क्वेश्चन आते हैं, उनको याद कर लिया, उसके बाद उनकी रीडिंग कर ली, अब आती है प्रैक्टिस, जो थर्ड हमारा पॉइंट है। अब हमको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है? आपके पास बुक्स अवेलेबल है, मैं किसी एक बुक को रेफर नहीं करता, कोई भी बुक जो है अच्छी है जब तक आप उस पर 100% भरोसा ना कर रहे हो। केवल एक ही ऐसी बुक है जिस पे आप 100% भरोसा कर सकते हो, और वो है बेयरेट। बाकी किसी भी बुक पे आपको ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना है। आपको क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएगा, क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आंसर आपको खुद को पता होना चाहिए। कहीं डाउट होता है उसको बेयरेट से चेक कर लीजिए, ठीक है? तो ऑब्जर्वेशन किया क्वेश्चन पेपर्स का, केवल उन प्रोविजन को पहले याद किया जो कि आते हैं हेडिंग के साथ, सेक्शन नंबर के साथ, उसके बाद हमने उनको रीड किया, उनको समझा, और फिर हम लोगों ने उसको सॉल्व किया। जब आप इस एक्शन से पढ़ाई करते हो, अब ये भी हो सकता है कि जब आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा रहे हो, बहुत सारे मेन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तब कोई नया क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि वो आपने पहले जब प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे थे उसके अलावा कोई नया क्वेश्चन हो, उसके अलावा कोई नया मेंस का क्वेश्चन हो अवेलेबल, कोई बात नहीं है, बट बहुत सारा पोर्शन हो गया,
अब धीरे धीरे चीजें इसमें ऐड होती जाती हैं। कभी भी एक बार में हम परफेक्ट नहीं बनते, एक बार में कभी भी कोई परफेक्ट नहीं बनता, धीरे धीरे चीजें होती हैं। अगर आपने आज आपने कोई एक्शन स्टार्ट किया, आज जो बात आपको पता है कल उसमें एक एडिशन होना चाहिए, ये आपका एम है। तो अगर मैंने 10 20 25 30 टॉपिक्स निकाले हैं कि सीपीसी मुझे ये तैयार कर लेना है, मुझे ये आना चाहिए, अब जब मैं एक्चुअली सॉल्व कर रहा हूं, कोई नया क्वेश्चन पेपर मिल गया तो कुछ नई बात मिल गई, ठीक है, मैं अपनी जो मुझे 30 बातें पता हैं उसमें एक नई ऐड कर लूंगा, तो उससे डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता और पहली बार में तो कोई भी नहीं हो सकता। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑब्जर्वेशन, एक्शन और फिर प्रैक्टिस। मैंने तीनों बातें आपको बता दी कि आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको यही बताया है कि हाउ टू स्टार्ट, शुरुआत कैसे करनी। शुरुआत हमेशा इंडेक्स से करी जाती है। उसका बहुत सिंपल सा रीजन ये है कि इंडेक्स आपको बताता है कि भाई आप इस बेयर पर पढ़ने क्या वाले हो। हम इंडेक्स नहीं पढ़ते। मैं इस बात को बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि काफी सारे ऐसे लोग जिनके लिए सीपीसी टफ है, उन लोगों ने कभी भी पूरे मन से पूरी शिद्दत के साथ इंडेक्स नहीं पढ़ा होगा। जब आपने इंडेक्स ही नहीं पढ़ा तो आपको यही नहीं पता कि इस बेरेट में मुझे मिलने क्या वाला है। आप छोटी सी बात समझो कि जब आप बेरेट पढ़ते भी हो तो उसके पहले प्रीएम्बल दिया होता है। हर जगह आपको प्रीएम्बल मिलेगा। वो प्रीएम्बल क्यों मिलता है? वो प्रीएम्बल 2 3 4 लाइनों में हमको बताता है कि क्या पढ़ने वाले हो। तो प्रीएम्बल पढ़ते हो ना, बस प्रीएम्बल का ही आप मान सकते हो एक्सटेंशन है आपका इंडेक्स। वो इतनी सारी बातें जो इंडेक्स में दी हुई है उसी को 4 लाइन में प्रीएम्बल में लिखा गया है। अब आप प्रीएम्बल को तो इंपॉर्टेंस देते हो, प्रीएम्बल तो पढ़ते हो, वो तो समझते हो, बट इंडेक्स नहीं समझते। ये गलती करते थे, ये बिल्कुल नहीं करना सबसे पहले। और मैंने ये भी नहीं कहा कि पूरा इंडेक्स याद कर लूं, नहीं, केवल वो चीज जो कि आती है, हेडिंग और सेक्शन नंबर। तो ये आपने इंडेक्स में अपना पहला काम कर दिया, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। यहां से ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब इतना कर लिया तो क्या किया, इंडेक्स के बाद हमने उन प्रोविजंस को पढ़ा और उनको समझा कि उसमें अब अंदर डिटेल में क्या दिया हुआ है, और फिर हमने उसकी प्रैक्टिस कर ली। जो नया मिलता गया उसको अपनी लाइन में हमने ऐड कर लिया, आपका सीपीसी बड़े आराम से तैयार होगा। ठीक है, तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, ऑब्जर्वेशन एंड देन इंडेक्स। हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के लिए आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने कहा एक ही किताब है जिसके जिसपे आप 100% भरोसा शो कर सकते हो, और वो किताब है बेयर एक्ट। उसी से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, विथ नो एक्सेप्शन। आप किसी भी सब्जेक्ट को बिना बेयर एक्ट के नहीं पढ़ेंगे, उसको स्टार्ट करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्लियर? और कैसे पढ़ना है, बेयर एक्ट मैंने बता दिया, पहले इंडेक्स, फिर उसको याद करके, फिर प्रोविंस से आपको स्विच करना है। मेंस के लिए तैयारी कैसी करनी है, तो याद रखना कभी भी जो प्री होता है उससे कम होता है मेंस का सिलेबस। कई लोगों को ये लगता है कि मेंस का सिलेबस ज्यादा है, प्रीलिम्स का कम है, इसका उल्टा होता है। प्रीलिम्स का ज्यादा होता है, मेंस का सिलेबस कम होता है। बस प्रॉब्लम ये है या पॉइंट ये है कि जो मेंस का सिलेबस है वो थोड़ा डेप्थ में होता है, वो डेप्थ में होता है। ठीक है, इसीलिए हमको ये लगने लगता है कि यार ये ज्यादा हमको पढ़ना है। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, ये ध्यान रखना। बट क्योंकि आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि मुझे क्या पढ़ना है, तो आप उसको पढ़ लो। क्लियर? अब यहां पे मैंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ कंसेप्ट, क्योंकि अगर आप प्रोविजन को समझ चुके हो तो फिर आप उसको लिख सकते हो। और कभी भी मेंस में एक बात याद रख लेना, कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर क्या मुझे बेयर एक्ट की एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखनी है? द आंसर इज नो, आपको बेयर एक्ट की एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं लिखनी। मगर जो उसमें टेक्निकल वर्ड्स यूज किए गए हैं, जो उसमें लीगल वोकैबुलरी यूज करी गई है, वो आपको वही यूज करनी है। ठीक है, तो जैसे जब अपन लोग
रेस जुडिकेटा पढ़ते हैं तो मैटर इन इश्यू लिखा है डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली, ये लीगल टर्म्स है, ये आपको वैसे के वैसे लिखने हैं। इसके अलावा जो बाकी की लैंग्वेज बची वो आप अपनी यूज कर सकते हो, बस ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज और कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है। एक बात आपको और करनी है मेंस आंसर में, वो ये कि आपको पॉइंटर्स में भी लिखना है, जो आपने मेन आंसर का जो डेफिनेशन लिखी है उसको पॉइंटर्स में भी आपको लिखना पड़ता है, ये इस बात का जरा ध्यान रखना। तो मेंस पूरा होता है कंसेप्ट बेस्ड, क्लियर? कौन से सेक्शन का कंसेप्ट, कौन से ऑर्डर कंसेप्ट, वही ऑर्डर जो हम ऑब्जर्व कर चुके हैं कि भाई यहां से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा एक काम जो आपको और करना है वो ये कि अगर किसी प्रोविजन का किसी दूसरे सेक्शन से, किसी दूसरे ऑर्डर से कोई रिलेशन बनता है तो वो आपको जरूर ध्यान रखना है। सीपीसी में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि सेक्शन नंबर 26 को हम लोग ऑर्डर नंबर 4 के साथ पढ़ते हैं, 27 जब समन की बात करते हैं तो ऑर्डर नंबर 5 के साथ पढ़ते हैं। ये रिलेशन बहुत जरूरी है, अगर आपको ये रिलेशन नहीं पता तो आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको बहुत छोटी बातें दी हुई हैं सेक्शंस में, सब्सटेंटिव बात सेक्शन में दे दी, उसको एलैबोरेट किया है ऑर्डर्स में, तो आपको इन दोनों को रिलेट करके ही पढ़ना है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, क्लियर? तो ये आपको मेंस में कर लेना है, बट सिलेक्टिव हर चीज नहीं। फ्रॉम वेयर टू स्टडी, ऑब्जेक्टिव्स में कहां से पढ़ू, कंसेप्ट में कहां से पढ़ू, याद रखना मैंने आपको बताया कि मैं बुक्स स्पेसिफिकली कोई रेफर नहीं कर रहा, हर किताब अच्छी होती है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आप 100% उस पर भरोसा ना करो। जब मैं बात करता हूं किसी ऑब्जेक्टिव बुक की, आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक ले सकते हैं, यूनिवर्सल की आती है, सिंगल्स की आती है, और वेरियस राइटर्स आपको अवेलेबल हैं, बट आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप या तो आपको पता हो कि हाँ यही आंसर है, कहीं पर भी कोई डाउट हो रहा है बेर जल्दी से ओपन करिए और देखो कि सही है या गलत है, तो वो आपको इधर करना है। जहां तक हम कंसेप्ट्स की बात करते हैं तो कंसेप्ट्स में आपको अपने आंसर को और ज्यादा पॉलिश करने के लिए, ब्रशअप करने के लिए बिल्कुल किसी ना किसी बुक को रेफर करना चाहिए, बट ये बुक्स आती हैं बेयर एक्ट के बाद, प्राइमरी हमेशा क्या रहने वाला है, बेयर एक्ट ही रहने वाला है, प्राइमरी हमेशा बेयर एक्ट रहने वाला है। उसको फिलर का जो काम है, जहां पे गैप आ रहा है, जहां पे कुछ समझाना है, वहां पे बुक आपकी हेल्प बिल्कुल करेगी। जो टकवानी एक अच्छी किताब है जो आप बिल्कुल रेफर कर सकते हो, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ऐसा नहीं कि किताब पढ़ रहे हो तो पूरी पढ़ रहे हो, बिल्कुल नहीं, टाइम बर्बाद है। केवल वो पोर्शन, केवल वो प्रोविजंस जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जहां का मेंस का आंसर आप बना रहे हो, जो आपको आपको फिल करना है, उस पोर्शन को पढ़ो, अपने आंसर को अच्छा बनाओ, लैंग्वेज को अच्छा बनाओ, पॉइंटर्स को और अच्छा बनाओ, और फिर उसके बाद आपके लिए वो सफिशिएंट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज मैं कोई स्पेसिफिक बुक तो आपको सजेस्ट नहीं करता कि उसी से ही करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, किताब आप कोई भी रेफर कर सकते हो, बट प्राइमरी इज बेयर एक्ट। ये सारी बातें हमको ध्यान रखना है, क्या ऑब्जर्व करना है, क्या एक्शन लेना है, किस किन स्टेजेस में, किन स्टेप्स में लेना, और फिर आ जाती है प्रैक्टिस। जब बात मेंस की आती है तो मेंस में जब एग्जाम दे रहे होते हो तो एक और प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम ये होगी कि हो सकता है कि आपको बन तो रहा हो मगर आप आंसर लिख ना पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपका हाथ दर्द हो रहा है, आप थक गए लिखते लिखते, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है लिखने की। ये बिल्कुल गलती आपको नहीं करनी है, डेली आपको कुछ लिखना है, प्रैक्टिस करना है। अगर डेली नहीं कर पा रहे हो, समय कम है या पढ़ाई में ज्यादा आपको अभी आवश्यक है कि आप पढ़ो ज्यादा, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, आपने हो सकता है अभी ही तैयारी चालू करी हो सकता है पढ़ने के लिए ज्यादा हो, लिखने के लिए कम हो, बट ये स्टेज बनी ना रहे इस बात का ध्यान रखना। एक टाइम ऐसा भी आए जब लिखने के लिए ज्यादा हो और पढ़ने के लिए कम हो, तब आप मेंस निकलोगे। अगर आपका पढ़ने के लिए ज्यादा है और लिखने के लिए कम, तो आप मेंस कभी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, आप मेंस तब क्वालिफाई करोगे जब लिखने के लिए ज्यादा होगा और पढ़ने के लिए कम होगा, ठीक है? तब फिर रोज आपको प्रैक्टिस करनी है, बट अगर इनिशियल स्टेज में हो तो एटलीस्ट वीक में 2 दिन, 2-2 घंटे निकालो जो आप लगातार बिना किसी डिस्टरबेंस के आप लिखो, तब आपको फ्रूटफुल होगा, तब आपका पढ़ा हुआ जो आपका नॉलेज है वो एग्जाम में आपके काम आएगा। ये सारी बातें आपको ध्यान रख लेनी है।
इसके बाद जो है सीपीसी आपके लिए कभी किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो ये है हमारी स्ट्रेटजी, ये है हमारी अप्रोच जो कि हमको सीपीसी के लिए फॉलो करनी है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।